मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं हिंदी शिक्षक अंजनी कुमार तिवारी इस वीडियो में क्षितिज गद्यखंड पाठ एक दो बैलों की कथा, इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। बैलों की एक कहानी है। झूरी नाम का एक किसान था, उसके दो बैल थे, उसका नाम था हीरा और मोती। दोनों ही एक दूसरे से मिलजुल करके रहते थे, एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, संकट में एक दूसरे का सहयोग करते थे। इनके अंदर मानव से अधिक श्रेष्ठ गुण विद्यमान थे। पूरी कहानी के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद जी ने बैलों का महत्व बताया है और किसान और पशुओं में किस तरह से मधुर संबंध होते थे यह भी बताया गया है कि किसान को, माने किसान जो गांव में रहते हैं, उनको पशुओं के साथ इस तरह से मधुर संबंध स्थापित करना चाहिए। इस पाठ का यही उद्देश्य है। पूरे पाठ को अच्छे से आप पढ़िएगा। मुंशी प्रेमचंद की बड़ी ही प्रसिद्ध कहानी है दो बैलों की कथा, हीरा मोती की। पूरे पाठ को किताब खोल कर पढ़िएगा। अब पांच खंडों में, पांच भागों में बटा हुआ है इतनी लंबी कहानी, इसको छोटे से वीडियो में बताया नहीं, पढ़ाया नहीं जा सकता है। लेकिन इसका जो सारांश है यही है कि एक किसान और उनके साथ रहने वाले पशुओं के बीच जो संबंध है वो अच्छे होने चाहिए। तो उसके जो प्रश्नोत्तर हैं उसको मैं बता दे रहा हूँ, सुन लीजिएगा संक्षेप में। बाकी जो गद्यांश से संबंधित प्रश्न है उसको मैं नोट्स में आपको लिख करके दे दूंगा। प्रश्न है कि काजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। हीरा मोती जब बंद कर दिए जाते हैं काजी हाउस में, तो वहाँ पर पशुओं की जो हाजिरी ली जाती थी, पशुओं की संख्या जितनी थी उतनी है कि नहीं है, कुछ मर तो नहीं गए, कोई भाग तो नहीं गया, इसके लिए हाजिरी ली जाती थी। अगला है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ गया। वो जो छोटी बच्ची थी गया के यहाँ, झूरी का जो था साला था, उसके पत्नी का भाई था, उसके यहाँ एक छोटी सी बच्ची थी, उसकी माँ मर गई थी। वह संवेदना समझती थी बैलों की, बैलों के दर्द को जानती थी कि जैसे मुझे ये सौतेली माँ सताती है, वैसे ये भी मालिक से दूर हैं, इसीलिए दुखी होंगे, इसीलिए उनको रोटी खिलाती थी वो। छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ाया, इसीलिए प्रेम उमड़ाया कि मालिक से दूर हैं। अगला है, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीत विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीत विषयक मूल्य उभर, नैतिकता संबंधित कौन कौन से मूल्य निकल करके आए हैं कि मुसीबत में भी मित्र को साथ देना चाहिए और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। काजी हाउस में दीवार तोड़ने के लिए देखिए हीरा मोती किस तरह से प्रयास करते हैं और संकट घड़ी में सबको बाहर निकाल देते हैं। कभी भी साहस नहीं छोड़ना चाहिए, हिम्मत के साथ डटे रहना चाहिए और संकट में अपने मित्रों का, सहयोगियों का साथ देना चाहिए। और तीसरी बात, आज़ादी के लिए संघर्ष करना चाहिए। देखिए हीरा और मोती स्वतंत्रता के लिए अंतिम समय तक संघर्ष करते रहे, यही तीन बातें निकल करके आती हैं। और फिर है कि प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है, संत कहा है। गधे के अंदर तनिक भी क्रोध नहीं है, रूखा सूखा जो मिलता है बड़े प्रेम से खा लेता है, बिल्कुल काम क्रोध मद लोभ इससे रहित गधा संत है, इसके अंदर संत के गुण है। मूर्ख न कह करके मुंशी प्रेमचंद जी ने गधे को संत कहा है। अगला, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी, एक दूसरे का साथ देते थे। अगर हीरा संकट में पड़ा है तो मोती कभी उसका साथ छोड़ के नहीं गया, मोती मुसीबत में है तो हीरा कभी साथ छोड़ के नहीं गया। इस तरह से दोनों में गहरी दोस्ती थी, इस बात से पता चलता है। दोनों एक ही हौद में खाते थे और एक दूसरे से मौन भाषा में बात करते थे, एक दूसरे को चाटते थे, इससे पता चलता है दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। अगला है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। प्रेमचंद के समय में स्त्रियों के साथ बहुत ही अत्याचार अन्याय किया जाता था, उन्हें प्रताड़ित किया जाता था, तो हीरा इस कथन के माध्यम से बताना चाहता है कि सभ्य समाज है, सभ्य लोग हैं, वो नारियों के ऊपर हाथ नहीं उठाते हैं, इसलिए तुम्हें स्त्री के ऊपर वार नहीं करना चाहिए, सींग नहीं चलानी चाहिए। जो अच्छे लोग हैं वो स्त्री पर कभी हाथ नहीं उठाते हैं। फिर है, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्यों के आपसी संबंधों की कहानी किस तरह से व्यक्त किया गया है। किसान और पशु के बीच आपसी संबंध बड़े अच्छे हैं, जिस तरह से झूरी अपने दोनों बैलों के साथ संबंध स्थापित करता है, उसकी टिटकार सुन करके दोनों बैल काम करने
खेत में चलते रहते हैं, जुताई करते रहते हैं। इसी तरह से किसान को पशुओं के साथ संबंध स्थापित करना चाहिए, गया की तरह पशुओं को पीटना नहीं चाहिए। अगला है कि इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वह सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उनकी विशेषताएं बताइए। मोती सबका बड़ा ही शुभचिंतक था, जो अन्य काजी है उसमें पशु थे उनको बाहर निकाल दिया, लेकिन अपने मित्र को छोड़ के नहीं गया। बहुत परोपकारी दयाल स्वभाव का था मोती। अगला है कि आशय स्पष्ट कीजिए। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। ऐसी दिव्य शक्ति थी कि जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। मूक स्वर में, देखिए दोनों बैल मौन थे, आप कहानी पढ़ेंगे, दोनों बैल मौन स्वर में एक दूसरे के भाव को समझ लेते थे। रस्सी तोड़ना हुआ, लड़ाई करनी हुई सांड से, उसमें जो कसाई लेके जा रहा था उससे लड़ाई करनी हुई, तो मौन स्वर में दोनों बैल एक दूसरे के भाव को समझ गए, ये मनुष्य में संभव नहीं है। फिर है कि उस एक रोटी से उनको उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। वो प्रेम का था, दो रोटी प्रेम की थी, इसीलिए उनको उनकी आत्मा उससे तृप्त हो जाती थी। फिर है दसवां कि गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए क्यों दिया, क्योंकि गया पराए बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। गरीबी के कारण खली आज खरीदना उसके बस की बात न थी। वह हीरा मोती के व्यवहार से दुखी था, उसके खली आज सामग्री की जानकारी न थी। यही तीसरा सही है गा वाला, वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। इसी पर टिक करना है। हम समझते हैं आप पाठ को समझ लेंगे, इसका प्रश्नोत्तर लिख लेंगे। हम नोट्स में आपको गद्यांश पर आधारित जो प्रश्न है इसको लिख करके दे देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।